घुघरी निवासी दीपक अपने 15 सहयोगी साथियों के साथ मजदूरी करने दिल्ली गए हुए थे, जहां वैश्विक महामारी कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन रेड जोन में फंसे हुए थे। दीपक ने यह नहीं सोचा कि काम इतने दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। रोज कमाना रोज खाना की तर्ज पर दो चार दिनों की खाद्य सामग्री के लिए विशेष जीवन संघर्ष में जुटे रहे, लेकिन बंद तो अनिश्चितकालीन होता जा रहा था। घर से दूर दिल्ली जैसे महानगर में भीषण संकट के साथ अनिश्चितता की जिंदगी भयावह रूप दिखाने लगी। दीपक ने ईश्वर को याद करके अपने एक परिचित समीर खान को अपनी व्यथा कथा सुनाई। भावुक हृदय समीर खान ने इन लोगों का दुख दर्द समझा और फौरी रूप में आवश्यक जीवन उपयोगी राहत सामग्री उपलब्ध कराई और विपदा में फंसे गरीब मजदूरों को दिल्ली से मध्य प्रदेश मंडला जिला में तहसील घुघरी तक पहुंचाने के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने समीर खान की बात तो सुनी, लेकिन मजदूरों को उनके गृह ग्राम में भेजने के लिए वाहन व्यवस्था के नाम पर अपने हाथ खड़े कर दिए। समीर खान ने प्रशासन तंत्र से दोबारा आग्रह किया और वापस जा रहे सभी मजदूरों की विधिवत जांच कराई। उसके बाद उनकी यात्रा का परमिट प्राप्त किया और स्वयं के वाहन से दिल्ली से मध्य प्रदेश मंडला मजदूरों को सकुशल भेजने में उल्लेखनीय पुनीत कार्य किया। ज्ञात हो कि श्री समीर खान दिल्ली के ही स्थायी निवासी हैं। दिल्ली के आलिशान होटल और घरों में मैट का कार्य के लिए उचित पराश्रमिक पर ये सुविधा मुहैया कराते हैं। श्री खान ने बताया कि हमारे पास के वर्कर की संपूर्ण जवाबदारी हमारी होती है। उनके स्वास्थ्य शिक्षा ही नहीं सामाजिक कार्यक्रम की जानकारी भी मुझे लगने पर मैं दिल्ली से ही इनके परिजनों के खाते में राशि डालकर यथा योग्य सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में भी खान ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा से काम नहीं होता, मेरे जीवन का उद्देश्य ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। दीपक के साथ अपने वतन को लौटे मजदूरों ने समीर खान को भगवान का दूत बताया और कहा कि हम लोगों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया, बल्कि रास्ते के दौरान चाय नाश्ता खाना पानी समीर भैया के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया। आप लोग अच्छा थोड़ा जोर से बोलना। जोर से कहां से आए हैं? दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली में क्या करती थी आप? काम करती थी वहाँ। यहाँ मंडला में काम नहीं मिला? वहाँ पर काम किसने दिलवाया था आपको? अच्छा, तो अभी दिल्ली में काम अभी नहीं है? अच्छा, लॉकडाउन के कारण वापस आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो वहाँ से आने की व्यवस्था किसने कराई आपकी? अच्छा, गाड़ियों से आए। वहाँ पे चेक हुआ, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो गया है? तो यहाँ आके ठीक लग रहा है? चलिए ठीक। नाम समीर खान है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और जितने सारे लोग यहाँ से जाते हैं काम करने, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मेरी रहती है, काम लगाने का भी और उनके स्वास्थ्य का भी। तो अभी क्या है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि इन लोगों को सबसे पहले घर पहुँचाया जाए। काम तो लॉकडाउन है, बंद है, दो महीने से बैठ के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इनको सारा व्यवस्था करके मैंने तीन गाड़ी, खुद की गाड़ी है मेरी, तीन ड्राइवर करके सारा जो भी होगा सारा इंतजाम करके इनको घर तक पहुंचाने का काम किया मैंने, और आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। कोई भी गलत काम मेरे तरफ से कोई नहीं है, इसके लिए शासन को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता। नहीं, कई बार मजदूरों के पलायन को लेके एक सवाल उठाया जाता है कि बाहर ले जाके इनका शोषण किया जाता है, वहाँ पर कैसा काम इनको आप प्रोवाइड कराते हैं? ये काम इनका होटल रेस्टोरेंट का काम। अच्छा, जैसे मेरे अंडर किचन रहता है, ये सारे किचन में काम करते हैं, जो मेड होती है घर के काम के लिए होती है, घर में बच्चा खिलाना हो, साफ़ सफाई करना हो, इनका अलग काम रहता है। इनके वर्किंग आवर्स कितने रहते हैं वहाँ पर? इनका सैलरी होता है 60 से 10 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार काम करने। अच्छा, का ये टाइम इनका 8 घंटे का टाइम रहता है। 8 घंटे और बीच में क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए? दीपक मरावी नाम है मेरा। कहाँ से आए? क्या करते थे दिल्ली में? होटल में काम करते। किसने तुम्हारा जॉब लगवाया? समीर भैया। तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे थे काम, मंडला में काम नहीं है क्या? यहाँ काम नहीं मिल रहा था ना। अच्छा। इसलिए हम वहाँ अपने मर्जी से गए थे। अपनी मर्जी से गए थे, तो अभी कैसे आए हो? अभी गाड़ी से आए हैं, समीर भैया ने गाड़ी लगाया अपना गाड़ी। हाँ, सुरक्षित उसमें आया, हमें अच्छा लगा उसमें। अच्छा, तो रास्ते का भोजन भोजन ये वो सारी व्यवस्था स्कैनिंग वगैरह हुई आपकी? हाँ, सब हो गया। सब हो गया। कैसा लग रहा है मंडला आके? अच्छा लग रहा है। कितने लोग आए साथ हैं? हम 13 लोग आए हैं। 13 लोग आए सब? दिल्ली में काम मैंने दिलवाया। दिल्ली में काम किसने दिलवाया था? समीर भैया ने। अच्छा,
सारी व्यवस्थाएं वही करके बैठे। और अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी अपने खर्चे से आए आप लोग? नहीं नहीं, समीर भैया खर्चे, समीर भैया ने भेजे।